नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बड़े बड़े दावे किए थे कि पेंशन बढ़ा करके 5,000 कर दी जाएगी, तो उन दावों की पोल खोलती हुई आज यहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं। आपको बता देती हूं, भले ही पेंशन तो अभी तक 5,000 नहीं हुई है, लेकिन जो 2500 रुपए पेंशन मिल रही है वो भी अब इन बूढ़ों को नहीं मिल रही है। जी हाँ, मेरे पीछे जो आप लोग बुजुर्ग देख पा रहे हैं, ये सभी बुजुर्ग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि 60 साल से ऊपर इनकी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक इनकी वृद्धा पेंशन नहीं बनी है। हालांकि यहां तक आरोप लग रहे हैं कि मेडिकल कराने के लिए जब गए तो डॉक्टर्स ने इनके साथ बदतमीजी की है। हालांकि पूरा मामला क्या है इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मुझे ये बताइए, कौन से डॉक्टर ने आपके साथ बदतमीजी की है? डॉक्टर का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन रूम नंबर 109 में बैठे थे, उनके यहाँ पे मेडिकल होना था, हमने पता करके गए थे। उन्होंने बोला कि हमारे पास बार बार आने की जरूरत नहीं है और हमारा ये काम नहीं है, आप जाके वो करो, और बार बार इधर एक बार आपको बता चुके हैं तो दोबारा आने की और हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा मतलब बहुत ही गंदे लहजे से बात कर रहे थे और हमें रूम से बाहर निकालने के लिए तुरंत बोल दिया था। आप अकेली गई थी या किसी और के साथ गई थी? पहले मैं अकेली गई थी सब कुछ पता करने के लिए, उसके बाद हम सारे गई थी। ठीक है, अगर हम कहीं पर भी जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, अगर उनका काम नहीं होता, ये तो जनरली भी लोग बोल देते हैं, जनरली भी डॉक्टर्स या अधिकारी बोल देते हैं कि आज के बाद यहाँ मत आना क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, इसमें बदतमीजी क्या है? नहीं नहीं मैम, इस तरह का हमें समझ में आता कि बदतमीजी कर रहे थे वो, क्योंकि हमारा काम तो मेडिकल के लिए, हमें आज की डेट दी हुई है तो हम उसके लिए गए थे। पहले हमने यहाँ से पूछा था कि मतलब मेडिकल होना, कि उन्होंने बोला था कि मेडिकल होना है, उसके बाद हमने गांव से मतलब जो जिनसे चला भी नहीं जा रहा उनको गांव बुलाया भगाना के लिए, और फिर हम मेडिकल में उधर गए हैं तो वहां पे उन्होंने मना कर दिया। तो हम बाद में जाके पीएमओ से मिले, सीएमओ सर बैठे नहीं थे, सीएमओ सर के पास भी गए लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, और जब मैम के पास गए ना तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह का कोई वो नहीं है और हमने एक बार आपको बता दिया कि मेडिकल नहीं होना है, बार बार मतलब रूम में आने की और इस तरह की कोई और की। जहां से मैं आई थी मैंने बोला कि उन सर ने हमारी बात नहीं सुनी है, तो उन्होंने मेरे को वापस वहीं पे जाने के लिए बोला। मैंने कहा कि नहीं मैम, मैं वहां पे नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि मैं एक बार और उसके, और वो ढंग से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद मैम ने भी और वो जो बार गार्ड बैठे थे उन्होंने भी किया, आपको एक बार समझा दिया ना हमारे साथ मतलब बात करने की और इस टाइप से, और जैसे ही हम अपनी बात कर रहे थे बोल रहे थे ना, उस टाइम कह रहे कि हमारे से बहस मत करो, आपको बोल दिया ना जहाँ जाना है जो करना आप कर लो जाके। ठीक है, आपको कितना समय हो चुका है अप्लाई करते हुए, चक्कर काटते हुए? दो तीन साल हो गए। अभी तक आपकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी है, कितनी उम्र हो गई आपकी? दिमाग से तो दिमाग से परेशान हो तो इसलिए बुढ़ापा पेंशन नहीं बन रही आपकी। अच्छा ये बताइए कि अप्लाई कब किया था आपने, ये बनवाने के लिए कागजात कब दिए थे, कितने साल हो गए हैं? डीजी साहब के टीप दिया, डॉक्टर पहले ने रिकॉर्ड ये छीन लिया। अच्छा ठीक है, रोइए मत। ये बताइए कि मेडिकली क्या इशू है आपको? क्या कौन करा? ये देख लीजिए हालात कैसे हो गए हैं, जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि लगातार, आपको बता देती हूं, जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिर्फ इसी बात के ऊपर चुनाव लड़ा कि वृद्धा पेंशन जो है 5100 रुपए कर दी जाएगी, लेकिन 5100 रुपए तो छोड़िए, यहां जो है बुजुर्गों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। देख सकते हैं आप लोग कि आंखों से पानी नहीं रुक रहा है, हालांकि आंसू इस तरीके से बह रहे हैं कि ना तो किसी को बता सकते हैं ना ही किसी के ऊपर गुस्सा उतार सकते हैं, लेकिन अब करें तो आखिरकार करें क्या? आप शांति रखिए, कोई बात नहीं, मदद करेंगे हम लोग आपकी। ये बताइए दिक्कत क्या है आपको मेडिकली? दिमागी दिक्कत। तो लगभग 3 साल हो गए हैं आपको ये बनवाते हैं, तो डीसी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आपका मेडिकल नहीं हो रहा है? मेडिकल करवा दी, तो लगभग कितने साल उम्र हो चुकी है आपकी? 55 साल हो चुकी है। इनकी तो दिमाग के लिए है। अच्छा, हमारी बुढ़ापे के लिए। अच्छा, आपके दिमाग के लिए है, यानी कि मेडिकल ही आप बनवाना चाहते हैं अपनी पेंशन। और तर्क क्या दिया जा रहा है आपको, क्यों नहीं बनाई जा रही है आपकी? कौन बनाते जी, क्यों नहीं बना? मनमर्जी चला रहे आपकी। 27 साल की डेट दी थी, अब कहते लॉकडाउन लग रहा है। ये तारीख 31/9/21 एक बार दिखाना चाहेंगे कैमरे में आपको। क्या कह रहे हैं आप, क्या हुआ था? आप तो मेरे पहले कागज तो फाड़ दिए थे, अब मेरे 10 साल के बाद बच्चा हुआ था, कहते बच्चे के 40 साल की लाओ, स्कूल में मैं पढ़ी नहीं जी। अच्छा। चल साइन तो मेरे भाई ने मैं थोड़ी बहुत घर में पढ़ा दी थी। कोई दिक्कत नहीं है इस बात की, तो भाई साइन तो मैं कर लेती हूँ, मेरे भाई ने पहले कौन स्कूल में पढ़ाता था। अब है ना, कहते बच्चे की 40 साल की लाओ, 10 साल के बाद शादी के बाद बच्चा हुआ तो 40 साल की कहाँ से होगा बच्चा, इसलिए बना नहीं रहा। मेडिकल में गए तो वहाँ डॉक्टर बोले अब बंद हो गया, अब नहीं बना। मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं? मेडिकल में अभी तो हम पूछ के आए, दांत चेक
करते हैं, बाल अच्छा। बाल चेक करते हैं। अच्छा कि हाँ। बाल वाइट हुए नहीं हुए, दांत है कि नहीं, दांत है ही नहीं मेरे, देखो है ही नहीं दांत भी कुछ नहीं। हाँ बस वही चेक करते हैं। यानी कि अगर बच्चा जो है शादी के 10 साल बाद हुआ है तो भी मेडिकली नकार दिया जाता है कि भाई आपकी उम्र हुई ही नहीं है अभी तक। अच्छा आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है जी? ये तनख्वाह कौन बन दीजिए मेरी भी, के करूँ मैं? पहले तो स्कूल से बोला गया था कि स्कूल से निकलवा के लाओ, हमने स्कूल से निकलवाया, स्कूल में बच्चे की 40 साल की हो चुकी है। फिर उसके बाद बोला कि इससे तो काम नहीं चलेगा, इससे नहीं बंधेगी, आप मेडिकल वो ले। मैंने फिर उससे निकलवाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, उसके बाद इनका बिना नाम का आया लेकिन डेट का आ गया, दो डॉक्यूमेंट हो गए, लेकिन उसके बाद बोले कि फिर भी आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। 6 महीने में तो 2 महीने में तो हमारा ये निकल के आया, पहले स्कूल वाला निकाल के दिया काफी दिनों बाद, अभी स्कूल बंद थे तो उसके बाद हमें बहुत चक्कर काटने पड़े। उसके बाद मेडिकल की डेट यहाँ से ली है, वो भी पहले दे नहीं रहे थे बड़ी मुश्किल से वो करके, कि हमें 3 तारीख की मेडिकल की, हमें 3 तारीख को ही देते हैं, मैं 5 तारीख को आई थी तो मेडिकल का नहीं दे रहे थे ये लोग। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु के बारे में, मेडिकल जांच करने बारे में इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन एक तरफ जहां इनके साथ नकारात्मक रवैया अपनाया जा रहा है, प्रशासन के लोग जो है इनके साथ लगातार नकारात्मक रवैया अपना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन फिर भी इनको पेंशन नहीं मिल रही है। ये बुजुर्ग आप देख पा रहे हैं कि दिमागी रूप से कहीं ना कहीं जो है इनको परेशानी हो रही है, लगभग 2 साल से सिर्फ अपनी मेडिकल पेंशन बनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मेडिकल पेंशन नहीं बना करके दी है। हालांकि शर्म आनी चाहिए प्रशासन को, अधिकारियों को, जो इन जैसे बुजुर्गों के साथ इस तरीके का अन्याय कर रहे हैं। हालांकि वो मेडिकल करके दे सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पद के ऊपर बैठने के बाद कहीं ना कहीं जो है अपना एटीट्यूड दिखाते हुए इनको लगातार नकारा जा रहा है। तो आप लोगों से अपील है कृपया इन जैसे बुजुर्गों के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि डीसी महोदया आकर के इनका संज्ञान ले और इनकी सुनवाई जो है जल्द से जल्द हो जाए, ताकि इन बुजुर्गों को दर दर की ठोकरें खाने के ऊपर मजबूर ना होना पड़े। तो एक बार दोबारा से अपील करना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और फॉलो करना इसको ना भूले। नमस्कार।